हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये जो ब्लॉग है ना, ये है करवा चौथ के नेक्स्ट डे यानी कि 14 अक्टूबर का। और यहाँ पे आप मेरे कमरे की हालत देख रहे हो, इतनी ख़राब हो रखी है। मतलब ख़राब होने का मतलब मेरा ये है कि कपड़े बहुत ज़्यादा से फैले हैं, बहुत ज़्यादा से। और मेरे साथ ना ये अक्सर होता है, आप लोगों के साथ होता है कि नहीं होता है मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना, लेकिन मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है। या तो जैसे मैं शादीशुदी में जा रही हूँ किसी कहीं, या फिर जैसे कहीं फंक्शन में जाना है, तो तैयार होते हुए जितने भी कपड़े रहते हैं या फिर हम लोग आते हैं तो कपड़े ना मैं ऐसे ही रख देती हूँ, मेरे को होता है कि अगले दिन मैं करूँगी। और कई लोग ऐसे होते हैं जो हाथों हाथ अपने कपड़े समेट के रख देते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैं कई बार रखती हूँ जो पहन के जाती हूँ उनको फोल्ड करके, जो कि मुझे लगता है ख़राब ना हो जाए उनको रखती हूँ। अदरवाइज कुछ कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो मैं रख देती हूँ कि चलो अगले दिन करेंगे। तो जैसे मेरे करवा चौथ वाली साड़ी थी ना, वो तो मैंने रात को ही अच्छे से सेट करके उसको रख दिया था, क्योंकि वो सिल्क की थी तो मेरे को था कहीं ख़राब ना हो जाए ना, इस वजह से वो मैंने रख दी। बाकी बहुत सारे कपड़े थे, मेरा सूट था जो मैंने दिन में पहना था, वो सब के सब बच्चों के कपड़े, इनके कपड़े, मेरे कपड़े, कुछ धोए हुए हैं, कोई कुछ बिना धुले हुए थे, सब मिक्स हो रखे थे। तो इतनी बुरी हालत हो रखी थी। सबसे पहले मैंने यही काम करा, मैंने कहा सबसे पहले अपना कमरा साफ करूंगी, कमरे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी। इसलिए तो सारे कपड़े अच्छे से फोल्ड कर दिए, उनको उनकी जगह पर रख दिया। और जो ब्लैंकेट है ना, ये उसी दिन का जब हस्बैंड की तबीयत खराब हुई थी ना, तो इनको ठंडा लगा था, तो वो ब्लैंकेट ढूंढ के लाई। अभी इसको धूप लगानी है अच्छे से, धूप क्यों लगानी है, इसको वॉश करना है, क्योंकि अभी वॉश नहीं करा था। ये वही था, मम्मी ने कहा था जब सर्दी स्टार्ट होंगी तो उससे पहले इसको वॉश कर देंगे तो ठीक रहता है, नहीं तो फिर वॉश करके रख दो ना वो भी ठीक रहता है। लेकिन क्या होता है कि फिर बरसात लगती है बीच में तो बहुत ज्यादा सीलन जैसी हो जाती है, इसलिए तो अब इसको वॉश भी करना है। यहाँ पे मैंने अपने बेड वगैरह अच्छे से ठीक कर लिया है, और जो मेरा जो भी मैंने सामान यूज़ करा था ना कल, मेकअप का था या चूड़ी थी, बिंदी, जो भी ज्वेलरी थी, वो सब मैंने अच्छे से रख दी है यहाँ पर। बस मैं वो देख रही हूँ कि मुझे इस वाले बैग में क्या क्या रखना है। मेरा जो ये मेकअप किट है ना, बस नाम नाम के लिए रह गया, इसकी चेन वगैरह सब ख़राब कर दी है बच्चों ने, तो इसलिए मैं कुछ लेती भी नहीं हूँ ज़्यादा, क्योंकि बच्चे ना हर चीज़ ख़राब कर देते हैं। क्योंकि लड़कियाँ हैं, इनको शौक होता है कि हम ये भी लगाएं वो भी लगाएं, तो मुझे छुपा के अभी फ़िलहाल इनसे रखना पड़ता है। तो बस अपनी चूड़ी वगैरह जो भी थी ना, आधी मैंने हटा दी थी, आधी मैंने पहन के रखी कि कुछ दिन तक मैं एक दो दिन पहनूंगी, उसके बाद मैं फिर दो दो चूड़ियां डाल दूंगी। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी टाइम ठीक 12:30 बज रहे हैं और आज नेक्स्ट डे है, मतलब कि आज मतलब नेक्स्ट डे मतलब कि करवा चौथ का नेक्स्ट डे है आज। आज है 14 अक्टूबर। और आप सबका करवा चौथ कैसा गया मुझे कमेंट करके आप प्लीज़ सब बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और हम लोगों का भी बहुत अच्छा गया। और मेहंदी देखो अपने उसी वाले रूप में आ गई है जो आ जाती है ना, ब्लैक ब्लैक ना, फिर भी इतना ब्लैक नहीं हुआ है अभी, फिर भी अच्छा है। और इस वाले हाथ की तो मैंने आपको कल दिखाई दी थी, तो ये है। और चूड़ी का कलर आप देख रहे हो पूरा निकल रहा है, क्योंकि पिंक कलर है ना, तो ये फैंसी चूड़ियों का ना यही होता है कि इसका कलर निकलने लग जाता है। हाफ मैंने कल ही उतार दी थी और हाफ मैंने अभी रहने दिया, मैंने कहा चलो दो एक दो दिन मैं और पहन लूंगी, क्योंकि इतना आदत वगैरह है नहीं। और बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है इसका, तो ये है। और बाकी तो मैंने इयररिंग्स वगैरह सब रख दिए हैं संभाल के, क्योंकि इतना हैवी पहना जाता है, हम रोज पहनते भी नहीं है इस वजह से, तो वो है। अभी मेरे कमरे की इतनी बुरी हालत थी, मैं आपको क्या बताऊँ, आपने देख ही लिया होगा, तो वो सब मैंने ठीक करा। क्योंकि मेरे साथ ना ये होता है, ज़रूरी नहीं कि कल करवा चौथ था तो इस वजह से मैंने फैला दी चीज़ें। फोन मतलब कहने मतलब हमें शादी में जाना है या किसी के घर जाना है या बर्थडे में जाना है ना, तो हम मैं क्या करती हूँ, तैयार होते होते पीछे सामान फैल रहा है फैल रहा है, अगले दिन करेंगे तो फिर वो अगले दिन बहुत बढ़ जाता है। तो बहुत सारा हो गया था, तो सब मैंने अच्छे से फोल्ड करके रख दिया, बेड वगैरह ठीक कर दिया। बेडशीट मुझे चेंज करनी थी लेकिन अभी मैं नहीं कर रही हूँ, एक दो दिन में करूंगी। और बस अब खाने का टाइम हो गया, ये सब करते करते खाने का टाइम हो गया। आज हमारा ब्रेकफास्ट भी काफ़ी लेट हुआ, क्योंकि थोड़ा सा लेट उठे ना कल, थक गए थे इस वजह से, तो वही है। अभी मैं जा रही हूँ किचन में, थोड़ा सा काम कुम देखती हूँ, कपड़े जो हैं वो मुझे रखने हैं उसमें, धूप में सुखाने डालने कपड़े मुझे। और अपने हस्बैंड के लिए मुझे टी शर्ट निकालनी है, उनकी फुल जो स्वेट शर्ट होती है ना वो निकालनी है, क्योंकि तो इनकी भी तबीयत बहुत मतलब ऐसे बहुत ख़राब नहीं है अब तो, बहुत ठीक है, बहुत ठीक है, परसों बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी इनकी तबीयत ना, तो लेकिन अभी ये ठीक है। कल भी हल्का हल्का मतलब ठीक ही थे, लेकिन हल्का फिर भी ना क्या होता है, ये जो फीवर आ रहा है ना, ये पूरा बदन तोड़ दे रहा है, इस तरह से इंसान ना बिल्कुल सुस्त पड़ जा रहा है। तो कल इनका कुछ ऐसी बस हल्का फुल्का सा ऐसी था, मतलब अंदर हरार सा रहता है ना कि फीवर जैसा कुछ ऐसा सही था कल। लेकिन कुल मिला के कल का दिन बहुत अच्छा गया है, और मुझे पूरी उम्मीद है आप सबका भी बहुत अच्छा गया होगा। तो चलिए बाहर चलते हैं, मैं थोड़ा सा खाना वगैरह देखती हूँ, क्योंकि टाइम ना हो रहा है 12:30 बजे,
अब वही है कि भूख तो ऐसे नहीं है किसी को भी, पापा की तबीयत भी थोड़ा थोड़ा ऐसे खराब जैसी हो रही है, वही फीवर जैसा हो रहा है। लेकिन क्या है, खाना खुना तो जब टाइम होता है तो खाना बनाना ही पड़ता है, यही चक्कर है। तो बस मैंने यहाँ पर ना आयरन की कढ़ाई कर ली, इसमें वो बना था पूड़ी बनी थी, तो इसको वॉश करके और इसको मैंने ग्रीस कर दिया है ताकि ये ना वो ना हो जाए, होता है वो जंक जैसा ना लग जाए ना, क्योंकि इसमें ना अभी मैं बना रही हूँ, इसमें मैं बना रही हूँ मूंग दाल का चैसू बना रही हूँ। मतलब किसी भी दाल का बना सकते हैं चैसू, तो मैं मूंग दाल का बना रही हूँ अभी, क्योंकि अरहर की दाल कल के बची हुई है इस वजह से। और थोड़ा सा इधर मैं थोड़ा ठीक करूँगी, क्योंकि ये बस वही होता है ना, कुछ भी हम लोग ऐसा होता है काम को घर में, त्यौहार या फंक्शन कुछ भी, तो इधर उधर चीज़ें फैल जाती हैं, तो धीरे धीरे करके सेट होता रहेगा, एक साथ तो नहीं हो पाता, वही है। और मैंने सूट ना आज दूसरा पहना था, अपना पिंक वाला सूट पहनता है, सिया ने मेरे ऊपर चाय गिरा दी, मतलब मैं चाय पी रही थी एकदम से बैठी और चाय गिर गई, वो मैंने फिर साफ करा और मेरे हाथ में भी यही सूट आया था, फिर मैंने एकदम से यही वाला सूट पहन लिया। धूप काफी अच्छी निकली है बाहर, तो चलिए अभी थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ। बहुत सारी बात तो यहाँ पे जो दाल है इसको मैं भून रही हूँ अच्छे से, और इसमें क्या है ना, मैंने अभी जो कढ़ाई है ना वो ग्रीस भी करी है, ऑयल से ही करी थी, तो वो ऑयल भी इसमें लग गया है। इसको हल्का सा पिंक कर देंगे, हल्का सा, जलाना नहीं है, हल्का सा। मैं गैस पहले कम कर देती हूँ क्योंकि लोहे की कढ़ाई बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, तो इसको हल्का सा पिंक कर लेंगे, एक धीमी सी खुशबू आएगी ना तो पता चल जाता है। तो बस बाकी मैंने आप लोगों के साथ चैसू की रेसिपी शेयर करी है, सेम वैसी बनेगा ये, बस थोड़ा भून दो ना तो इसे टेस्ट और अच्छा हो जाता है और जल्दी पक जाते है ये दाल, मतलब जल्दी पीसने के बाद जल्दी पक जाता है। तो बस इसको हल्का सा मैंने पिंक कर लिया है, और इसको थोड़ा सा मिक्सी में डाल दूंगी और ठंडा करने के बाद, हल्का सा ठंडा करने के बाद मैं इसको पीस लूंगी। और आज सुबह से नहीं कल रात से या शाम से ही व्हाट्सएप पे आप सब भी देख रहे होंगे, मैं भी वही देख रही हूँ, आधा टाइम तो मेरा उसी में चले गया है, वही लोगों के स्टेटस देखना कौन कैसा लग रहा है। आप भी जरूर से चेक करते होंगे कौन कैसा लग रहा है, किसने क्या पहना है, अच्छा लगता है, तो वही देखते देखते टाइम निकल जाता है। आधा टाइम रात को वही देखा और ज्यादातर लोगों ने फिर मॉर्निंग में डाला फोटोज वगैरह, अपनी तो मैंने तब देखी है, अच्छा लगता है देखना कि किस किस तरह से लोग ना रेडी हो रखे हैं। तो इस वजह से भी थोड़ा काम लेट लेट हो गया है, ऐसे लेट भी नहीं हुआ है, खैर फटाफट बन जाएगा। अभी मुझे आशीष के बाल ही बनाना है, तो एक कलर ही चढ़ा देती हूँ, फिर मैं फ्री हो जाऊंगी। और मुझे अपने वीडियो की ना एडिटिंग भी करनी है, मेरा ब्लॉग जो है जो करवा चौथ का मैंने सामान वगैरह मार्केट गए थे ना, वहां से मुझे अपने ब्लॉग्स जो है वो करने हैं, और मैं सोच रही हूँ आज से मैं स्टार्ट कर दूं, नहीं तो फिर वो लेट लेट होता रहेगा। करवा चौथ जो चले गया है, उसकी जो मैं मार्केट गई थी ना वो वाला ब्लॉग मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो देख सोच तो यही हूँ कि बस फटाफट सब कुछ कर लूँ और फिर मैं अपनी वीडियो की एडिटिंग भी कर लूँ, देखते हैं हो पाता है कि नहीं, नहीं तो फिर थोड़ा आपको ब्लॉग लेट ही मिलेगा। चलिए तो मैं इसको थोड़ा ठंडा के पी देती हूँ, थोड़ा मसाला रेडी कर देती हूँ। और अभी जो है ना वो नेक्स्ट डे हो गया, उसके बाद ना मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं करा। कभी कभी कुछ कुछ दिन ऐसा हो जाता है ना कि व्लॉग शूट पूरा हो ही नहीं पाता है, तो उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं करा, ये नेक्स्ट डे का है। और यहाँ पर हमारे जो मंदिर है ना वहाँ पर ये वाली अलमीरा है, तो इसको मैं साफ करी, इसमें हमारे एक्स्ट्रा जो बर्तन होते हैं ना जो किचन में नहीं आते हैं, ये एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें होती हैं वो हम लोग यहाँ पर रखते हैं, और ये ना ज़्यादातर मतलब मम्मी ही इसको क्लीन करती है, लेकिन क्या है कि जब जिसके हाथ में जो काम लग जाए या ध्यान आ जाए तो हम लोग कर देते हैं, वैसे ज़्यादातर मम्मी करती है इसको, लेकिन आज फिर मैंने कहा चलो मैं फ्री हूँ, जब जब मैं फ्री रहती हूँ और मुझे लगता है कि कहीं कहीं पे करना है तो वहाँ पे मैं कर देती हूँ। और ये जितनी भी प्लेट आप मेरे हाथ में देख रहे हो ना, बहुत सारी, इतनी सारी हैं कि आधी तो मैंने बाहर निकाल दी हैं देने के लिए, ये ना कन्या जी माई में मिली हुई है इन्हें, और कितने सालों से मिलती आ रही हैं, तो कितनी मैं दे देती हूँ, तो इस बार भी मैं काफ़ी निकाल रही हूँ बाहर और कुछ कुछ मैं रख रही हूँ, क्योंकि वो फिर कभी कभी काम आ जाती हैं इसलिए। तो ये सारी प्लेट मैंने साइड कर दी हैं, और कुछ कुछ प्लेट मैंने, मतलब इतनी जितनी आपको ये दिख रही है ना उतनी प्लेटें मैंने अलग उसमें रख दी हैं पॉलीथीन में देने के लिए। तो बस ऊपर वाला मैंने साफ़ कर दिया है, दरवाजे आप देख रहे हो इसके थोड़े से गंदे हो रहे हैं, ये सब मैं अच्छे से विम जेल से साफ़ करूँगी, उसके बाद कपड़े साफ़ करूँगी, और कितनी बार भी साफ़ कर लो ऐसा हो ही जाता है, तो वो बार बार साफ़ करना ही पड़ता है। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। और आज ना नेक्स्ट डे हो गया, कल मैंने व्लॉग कंटिन्यू नहीं करा था क्योंकि दिन में ना मैं आशी की ड्रेस लेने चली गई थी, स्कूल की यूनिफॉर्म लेने चली गई थी विंटर्स की ना, उसकी छोटी हो गई है,
तो उसके बाद फिर आई, फिर मन नहीं करा ब्लॉग कंटिन्यू करने का। तो आज ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। शाम के बज रहे हैं 5:30। चाय वगैरह हमने पी ली है, थोड़ा मैंने फेस वॉश वगैरह करा, बाल ठीक करे। तो मेरे को यही होता है जब ब्लॉग बना रहे हैं ना, तो थोड़ा सा जाता है कि चलो थोड़ा सा तैयार हो जाते हैं, बाल बनाते हैं। नहीं तो उसके अलावा अगर आप देखोगे तो बस अगर बाल नहीं बने हैं, नहीं बने हैं, मुंह धुला है, एक बार तो धुला है, ये हो जाता है। खैर शाम को तो एक बार मैं धो लेती हूँ मुँह अपना ना, वो है। और अभी मेरा मेरे हाथ में आप देखोगे पेंसिल। तो मैं बनाने जा रही हूँ मम्मी के लिए चार्ट पेपर। मम्मी यहाँ थेरेपी में जाती है ना, वहाँ पर स्पाइन डे बनेगा, कल बनेगा शायद, मम्मी कल ही बोल रही है। तो उसके लिए ना एक चार्ट बनाना है, स्पाइन बनाना है, ट्री बनाना है, मतलब कुछ करना है। तो मतलब एक कॉम्पिटिशन भी आप बोल सकते हैं, मुझे पता नहीं शायद कॉम्पिटिशन ये क्या है, सबको बोला हुआ है, जिसका सबसे अच्छा होगा ना उसको प्राइज मिलेगा। तो मम्मी को जिताने की कोशिश हो रही है कि मम्मी जीत जाए। वैसे मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ऐसी ही है बस, लेकिन मैंने कहा चलो इतना तो कर ही सकते हैं। तो मम्मी काफी दिनों से बोर थी, लेकिन वही तबियत भी ऐसी, फिर त्यौहार वगैरह इस वजह से बना नहीं पाई। तो कल है तो आज बनाने जा रही हूँ। चार्ट पेपर तो मम्मी बहुत दिन पहले लेकर आ रही थी, बस मैं बना ही नहीं पा रही थी मैं। अब मैं बनाने जा रही हूँ, तो मम्मी बोल रही है ना ऐसा बनाना है जैसे ये है ना, ये बनाना है। लेकिन फिर भी मम्मी बोल रही है मोबाइल से देख के बना लो, उसमें ढंग से दिख जा रहे, छोटा है काफी इसलिए। तो वो है। और आप लोग कैसे हो? और आप सभी को मम्मी की साड़ी, मेरी साड़ी बहुत अच्छी लगी है। अभी व्लॉग क्या है मेरा, तो मुझे उम्मीद थी अच्छी लगेगी आपको। और वैसे भी किसी का भी गिफ्ट होना अच्छा ही लगता है, वो और कोई प्यार से ले या प्यार से दे अच्छा ही होता है। तो चलिए फटाफट से चार्ट पेपर बनाते, पहले मैं आशीष से फ़ोन ले लेती हूँ, क्योंकि फ़ोन मम्मी के फ़ोन से देख के बनाऊँगी थोड़ा थोड़ा, जैसा भी मेरे से बनेगा ठीक है। वैसे आशी को भी आता है, लेकिन आशी थोड़ा सा आलस कर रही है बनाने में, मैं कहा चलो मैं बना देती हूँ। तो मम्मी कैंटी को घुमा कर आ गई है, और हमारे फूल इतने सुंदर लगते हैं ना ये, आप लोगों को फोन पे भी सुंदर लगते हैं, लेकिन जब खुद से आंखों से भी देखो ना तो ये और सुंदर लगता है। मतलब जैसे एंट्रेंस से आओ ना तो बहुत अच्छा लगता है देखने में, और शाम को तो इनका कलर ही कुछ अलग हो जाता है। हाँ अच्छा, तो शाम को जब देखो ना तो इनका कलर ही बड़ा सुंदर आता है, और एक अलग से ही कलर दिखता है। और जब एंट्रेंस से देखो ना तो कुछ इस तरह से लगता है, वो बहुत सुंदर लगता है ऐसे करके, बहुत प्यारा लगता है। तो जितनी बार बाहर निकलो ना ये फूल देख के मन बहुत खुश होता है, बहुत अच्छा लगता है देख के। ऐसा लगता है कि हम पार्क में आ रखे हैं, अच्छा लगता है देखने में। तो चलिए, ये आशी फ़ोन नहीं दे रही है, मैं उसी का वेट करती हूँ, फ़ोन देती हूँ और बनाते हैं मम्मी के लिए। तो बस यहाँ पे मम्मी के लिए चार्ट पेपर मैं रेडी कर रही हूँ। और ना मेरी ड्राइंग ना इतनी अच्छी नहीं है, बहुत बुरी भी नहीं है, लेकिन मतलब जैसे किसी किसी की मैं देखती हूँ ना बहुत अच्छे से बनाते हैं, और हर कुछ भी बनाने के लिए बोल तो बना देते हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मम्मी को था कि चलो तू बना दे, तो थोड़ा सा मैंने कहा चलो मम्मी बोल रही है तो मैं देख लेती हूँ अगर मेरे से बन जाए, क्योंकि इतने बड़े बड़े चार्ट पेपर ना मैंने कभी नहीं बनाए हैं। यहाँ तक कि आशी भी बनाती तो अपने लिए, वो खुद ही बनाती, मैं उसको बता देती हूँ, लेकिन बनाती वो अपने आप ही है। तो यहाँ पर बस मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं बनाऊं, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मैंने ना अभी चार्ट पेपर काफ़ी बड़ा लग रहा था, मैंने इसको हाफ कर दिया था, उसके बाद मैंने इसमें ट्री बना दिया था, और एक दो तो चीज़ें कम लग रही थी, तो मम्मी वो ही लेने जा रही हैं, वो हमारे यहीं पास में शॉप है ना, वहाँ से आराम से मिल जाता है। कुछ डेकोरेटिव चीज़ें थी वो तो मैं मम्मी ने पहले ले रखी थी, लेकिन एक दो तो चीज़ें कम पड़ रही थी वो मम्मी लेने गई, और मैं फ़ोन में देख देख के बना रही हूँ, क्योंकि मैं तो ऐसे बना ही नहीं पाऊँगी, मैं देख के ढंग से नहीं बना पाती, तो फिर बिना देखे तो कुछ मतलब ही नहीं है। तो बस यहाँ पर मैंने ट्री बनाया है, उसमें स्पाइन बनाना है, जो कि मैंने कोशिश करी है। अभी आप आगे देखना और आप बताना मैंने कैसा बनाया है, तो वही मैं बना रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने ये ट्री बना दिया है, और पता नहीं अभी इतना दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि इसको अभी आउटलाइन करना है, मतलब आउटलाइन ही बोलेंगे ना उसको, ब्लैक स्केच पेन से। और ये मैंने रीढ़ की हड्डी बना दी है, जो पता नहीं कैसी लग रही है, पता नहीं कैसी लग रही है। और उधर मम्मी लगी हुई है वो बनाने में, बैनर बना रही है मम्मी। मम्मी के विचार आपको पढ़ाऊंगी, मम्मी ने सोच के विचार रखे हैं उसमें। हाँ तो मम्मी है उसमें लगी हुई अपने काम में, और यहाँ पर मैंने ये बना दिया, बस इसमें अब कलर रहता है। और ये मैंने टेप लगा दिया है साइड में ताकि थोड़ा सा डेकोरेटिव लगे, कुछ इस तरह से बनाने की कोशिश कर रही हूँ मैं, जो हल्का फुल्का बन ही जाएगा इस तरह से। अभी कलर होगा ना तब ज़्यादा दिखेगा। हाँ नहीं अच्छा, हाँ नहीं अच्छा लिखा है मम्मी ने। हाँ हाँ आई लव यू सारा जन्तु लिख दी।
ये लिखा है मम्मी ने, नया जीवन पाना है तो रोज रोज सहरा जिम आना है, अपने परिवार पड़ोसी और लोगों को सहरा जिम से जोड़ना है, और अच्छी सेहत और लंबी जिंदगी पानी है, एक अच्छा काम करना है, खुशियां पानी है, औरों को भी बांटनी है, हम स्वस्थ, हमारा परिवार स्वस्थ और हमारा देश स्वस्थ, यही परम कर्तव्य है, यही हमारा परम कर्तव्य है। ठीक है मम्मी, जाओ पूरा लिख दो। तो अच्छा ये मम्मी ने लिखा है, मम्मी की राइटिंग बहुत अच्छी लग रही है। स्टार्स जैसे ट्री के लिए उसकी जड़ें बहुत जरूरी होती है, वैसे हमारी बॉडी के लिए जो हमारी स्पाइन है सबसे इम्पोर्टेंट होती है, अगर वो नहीं होगी तो इंसान बेकार है। बोल दो ना। तो यहाँ पे मैंने बना दिया है ये ट्री, और आपने देखा होगा अक्सर अक्सर क्या हमेशा ऐसे ही होता है कि ट्री में फ्रूट्स लगते हैं, लेकिन जो ट्री मैंने बनाया है उसमें स्टार्स लग रहे हैं। तो ये इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन हम किसी भी चीज़ की कर सकते हैं। तो मैंने इमेजिन किया कि हम स्टार लगाएं इसमें, तो स्टार लगा दिए, बहुत अच्छा लग रहा है ये। और कल है वर्ल्ड स्पाइन डे, तो उसके उपलक्ष्य में ये चार्ट पेपर बन रहा है मम्मी के लिए, बन रहा है कि बन गया है, बस एक मशीन बनानी है जो आशी बनाएगी यहाँ पे, मुझे शायद वो नहीं बनेगी मेरे से। तो ये स्पाइन बना दिया है, ट्री बना दिया है, तो आप सब बताना कैसा लग रहा है। मतलब ठीक ठीक है, ऐसे बहुत अच्छा नहीं है, बहुत गंदा भी नहीं है, अच्छा लग रहा है, मतलब ठीक है। तो यहाँ पे आज हमारे घर बन रहे हैं पहाड़ी करेले, तो हम लोग इसको पहाड़ी करेले बोलते हैं, आप कौन सी सब्जी बोलते हो बताना। तो ये मम्मी ने चढ़ाई है जिसमें ना हल्के हल्के ऐसे कांटे जैसे दिखते हैं, मतलब चुभते नहीं है ये, लेकिन हल्के से कांटे जैसे लगते हैं। तो ये सब्जी बन रही है आज हमारे घर में, और यहाँ पे मम्मी ने आटा भी गूंथ दिया है, तो बस डिनर हमारा है। डिनर हमारा कौन सा